नमस्कार, वेबदाता में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं याकूब मेमन की फांसी पर। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, याकूब की फांसी पर इतनी राजनीति क्यों? इससे तो पाकिस्तान ही खुश हो रहा होगा। ये निश्चित तौर पर बहुत अफसोस की बात है कि एक पूरी न्याय प्रक्रिया के तहत, संविधान और कानून में लिखे हुए विधि विधानों के तहत एक जो सजा तय की गई है उसको इतना अधिक राजनीतिक तुल दिया गया। देखिए, एक तरफ तो ये बुद्धिजीवी लोगों का और कुछ अन्य समूह के लोगों का एक तर्क है, जो कैपिटल पनिशमेंट जिसको कहा जाता है, फांसी की सजा जिसको कहा जाता है, उसको लेकर दुनिया भर में बहस है। बहुत सारे देश हैं जो कैपिटल पनिशमेंट या फांसी की सजा को नहीं मानते हैं, और उनका ये मानना है कि केवल आदमी को खत्म कर देने से अपराध खत्म नहीं होंगे या आदमी को भी जीने का हक है, चाहे उसने कितना ही बड़े से बड़ा अपराध क्यों ना कर दिया हो। देखिए, ये सारी सिद्धांतिक और तर्क आधारित बहसें हैं। इनसे परे सत्य यह है कि हिंदुस्तान में अभी भी फांसी की सजा का प्रावधान है। उसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया है, विधि विधान है। आप देखिए कि 93 में धमाके हुए, उसके बाद लगभग 20-22 साल तक मुकदमे चले हैं। उन मुकदमों के बाद, इतनी लंबी बहस मुबाहिसों के बाद, अगर कोर्ट को ये लगा है तो बाहर टेलीविजन कैमरों पे सामने बैठने वाले, अखबार की डेस्क पर बैठने वाले या किसी स्वयंसेवी संगठन के दफ्तरों में बैठने वाले लोग ये तय नहीं कर सकते हैं कि कौन दोषी है और कौन नहीं है। आपकी अपनी राय हो सकती है, आपका अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन अगर कानून ने इतनी लंबी बहस के बाद कुछ तय किया है तो मुझे लगता है कि हमें उसका सम्मान करना चाहिए। उसके बावजूद अपनी राय रखने का हक हमें है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिशा में ये पूरी बहस गई, इसको राजनीति से ज्यादा मजहबी तो रंग देने की कोशिश जो की गई, वो बहुत दुखद है, घृणास्पद है। और जितना नुकसान मुझे लगता है कि धमाकों ने नहीं किया होगा हिंदुस्तान का, उससे ज्यादा नुकसान देश की शिराओं में इस तरह का जहर घोलने वाले लोगों ने किया है। यदि याकूब जैसे लोगों का समर्थन करेंगे तो इससे आतंकवादियों के हौसले नहीं बढ़ेंगे? निश्चित तौर पर बढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि वो व्यक्ति समाज में शुरू में इन धमाकों में शामिल होने से पहले हो सकता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा है, उसकी अपनी एक बिजनेस कम्युनिटी थी, उसका एक समुदाय था और उसका एक अपना परिवार भी था। परिवार का जो व्यक्ति है, आप बड़े से बड़ा भी अपराध करेंगे तो आपसे मोहब्बत करेगा, आपसे लगाव रखेगा और उसे दुख होगा। माँ को अपने बेटे के लिए दुख होगा, पत्नी को अपने पति के लिए दुख होगा, लेकिन इसके इतर जो समुदाय है वो भावावेश में आकर किसी सामुदायिक भावना के तहत यदि उसको समर्थन देता है तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा नहीं है, तर्कसंगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। हमें यह सोचना होगा कि वो व्यक्ति अच्छा दिखाई देता था, हो सकता है उसकी शुरुआत में सोच अच्छी रही हो, पर कैसे वो इस बहकावे में आया, बताया ये गया है कोर्ट में जो दलीलें दी गई हैं उसके मुताबिक तो उसके सामने बम बने हैं। कुछ लोगों को केवल जानकारी थी, कुछ लोगों को केवल कहा गया था कि काला साबुन आएगा और काले साबुन को, विस्फोटक को काला साबुन कहा गया, और जिन लोगों को ये मालूम था कि वो काला साबुन आएगा उन्हें तक ताउम्र जेल में रहने की सजा मिली है। तो जिस व्यक्ति को मालूम था कि वो काला साबुन नहीं है, विस्फोटक है, उससे धमाके होंगे, उसके सामने बम बनाए गए, ये तक दलीलों में कहा गया है कि लगभग 83 ग्रेनेड जो हैं वो उसके सामने वहां पर रखे हुए थे और वो उसकी जानकारी में थे, तो यदि किसी व्यक्ति को देश का विध्वंस करने वाले किसी पूरी साजिश की जानकारी हो, देश का विध्वंस करने वाले विस्फोटक उसकी नजर के सामने तैयार किए गए हों, तब मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को सजा देकर हम बताना केवल ये चाहते हैं कि राष्ट्र का जो हित है, राष्ट्र की जो सुरक्षा है, वो सर्वोपरि है, उससे किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। आप राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में अगर शामिल हैं तो आपको सजा मिलेगी, ताकि राष्ट्र महफूज रहे। कैसे इस देश के लोगों को भरोसा होगा कि आगे ऐसे धमाके नहीं होंगे? कैसे इस देश के लोगों को भरोसा होगा कि ऐसी हरकत करने वाले हर व्यक्ति को सजा मिलेगी? ये भरोसा तब होगा जब न्याय न केवल होगा बल्कि होता हुआ दिखाई भी देगा। याकूब के समर्थन में तो लोग उतरते हैं, लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि शहीदों के परिजनों की सुध लेने वाला कोई नहीं दिखाई देता। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, ये आपने बहुत गंभीर सवाल उठाया है। देखिए, एक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इसी दौरान गुरदासपुर में एक बहुत बड़ा हमला हुआ और वहां पर एक एसपी शहीद हो गया, एक ऐसा एसपी जो अपना कर्तव्य कर रहा था, अपनी कर्तव्य परायणता के लिए जाना जाता है, कर्तव्यनिष्ठ था, और मौके पर होने वाले हमले पर वो उसी तरीके से शहीद हुआ जैसे कि शहीद करकरे शहीद हुए थे, सालसकर शहीद हुए थे, और वो उस हमले से शहर को बचाने के लिए, शहर के लोगों की जान बचाने
बचाने के लिए उसमें कूद पड़े और वो शहीद हो गए, हम उनको उतनी शिद्दत से याद नहीं कर पाते, हम उनकी शव यात्रा में उनके जनाजे में उस तरीके से नहीं जा पाते, लेकिन हम एक आतंकवादी के प्रति इस तरह की सहानुभूति रखते हैं, तो हमने एक राष्ट्र के भीतर अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण किया है, अलग अलग भावनाओं का निर्माण किया है, और मुझे लगता है सारी भावनाएं मिलकर जब हिंदुस्तान से और उस तिरंगे से नहीं जुड़ेंगी तब तक सारी तर्क, सारी बहस, सारी बातें, सारी अपने आप को समझाने की कोशिशें बेकार हैं। हमें उस राष्ट्र के ध्वज के नीचे खड़े रहकर उसका सम्मान करना होगा, तभी हम इस राष्ट्र को आगे ले जा पाएंगे, इस राष्ट्र की जो सरहद है उसके बेहतर महफूज रह पाएंगे, और हम इस राष्ट्र के साथ साथ खुद को भी विकास के पथ पर ले जा पाएंगे। इस राष्ट्र ने सभी धर्मों को, सभी मजहबों को, सभी जातियों को जिस तरीके से स्वीकार किया है वो अपने आप में एक मिसाल है। इतनी तमाम पेचीदगियों के बावजूद, इतनी विविधताओं के बावजूद हमारा संविधान हमें हक रहता है कि हम अपने हिसाब से जी सकें। उस संविधान का भी अगर आप सम्मान नहीं कर सकते, इस राष्ट्र का की जो परिकल्पना हमने की उसका सम्मान नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि हमने ये किस तरह से इस देश में इस तरह की भावनाओं को निर्मित होने दिया। यद्यपि याकूब मेमन की फांसी का समर्थन सिर्फ मुस्लिमों ने ही नहीं किया है, दूसरे धर्म के लोग भी उसके समर्थन में आ गए हैं। जी निश्चित तौर पर हमने देखा है कि एक तथाकथित बुद्धिजीवी कहा जाने वाला समाज जो है वो अचानक से कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सजा के, जिसकी हम बात भी कर रहे थे, फांसी की सजा के जो है खिलाफ आकर खड़ा हो गया, और उनका ये मानना था कि याकूब मेमन को फांसी नहीं दी जानी चाहिए। वो अगर मुद्दा केवल फांसी की सजा के प्रावधान तक सीमित है तो मुझे लगता है कि उसको इस मुद्दे से ना जोड़कर उसकी बहस अलग से चलाई जानी चाहिए। मुझे लगता है कि जब हम मानवता की बात करते हैं, हमारा मानवतावाद अचानक उमड़ कर सामने आ जाता है, तो वो तब भी आना चाहिए जब बम धमाके में लोग मारे जाते हैं, वो तब भी आना चाहिए जब गुरदासपुर में एक एसपी शहीद होता है, वो तब भी आना चाहिए जब एक हेमंत करकरे मरता है, और हमें उनके घर जाकर भी उसी तरीके से आंसू बहाने चाहिए और उसी तरीके से अपनी भावनाओं का ज्वार दिखाना चाहिए जब हमें लगता है कि एक देश का सपूत इस देश की माटी पर शहीद हो गया, कुर्बान हो गया। हमें किसी आतंकवादी को फांसी की सजा दिए जाते वक्त ही ये सारी भावनाएं क्यों मरती और हमारा सारा मानवतावाद क्यों जागता, मुझे समझ में नहीं आता। मानवाधिकार की तमाम बातें तब क्यों होती है जब सेना के कुछ लोग जाकर किसी आतताई को, किसी विद्रोही को, किसी घुसपैठिए को, किसी आतंकवादी को, किसी अतिवादी को जाकर मारते हैं और उसको उसके किए की सजा देने की कोशिश करते हैं या जवाबी गोलीबारी में वो मारे जाते हैं, तो तमाम मानवाधिकार संगठन सामने आ जाते हैं, हमारा सारा मानवता वही आतंकवादी जब गोलियां चलाकर ये जो गुरदासपुर में आतंकवादी आए थे उन्होंने एक पूरी बस को खत्म कर देने की साजिश रची थी, ये तो उस बस चालक की बहादुरी थी, साहस था, उस वक्त उसने बुद्धि कौशल का परिचय दिया जो उसने इतने सारे बस में बैठे हुए लोगों को बचा लिया। तो मुझे लगता है ये जो मानवतावाद की बात करने वाले लोग हैं ये कुछ अति मानववाद के शिकार हैं, ये मानव महामानव भी नहीं है, ये अति मानव है, और मुझे लगता है कि इस श्रेणी के लोगों को केवल अपनी बौद्धिक जुगाली करने की बजाय कुछ व्यावहारिक तथ्यों की तरफ ध्यान देना चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि जिन लोगों ने पीड़ा भोगी है दरअसल आप उन तक न्याय की बात को कैसे पहुंचाएंगे। आप क्या केवल आतंकवादी के और हत्यारे की मानवता की बात करते रहेंगे और जो लोग धमाकों में मारे गए हैं, जिसके साथ रेप हुआ है, जिसको बलात्कार के बाद मार डाला गया, उसका कोई अधिकार नहीं है क्या? तो अधिकार अगर एक का है तो दूसरे का भी है, और किसका अधिकार किस तरीके से संजोया जाए ये मुझे लगता है कानून में लिखित है। अब कानून के उन प्रावधानों को बदलना है तो मुझे पूरे लगता है कि फिर एक अलग ही तरह की बहस चलानी पड़ेगी हमें हिंदुस्तान। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे याकूब मेमन की फांसी की, अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।